इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। 22 नवंबर मंगलवार को बूंदी तहसील कार्यालय पर पटवार संघ द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। पटवार संघ उप शाखा के अध्यक्ष पटवारी रमेश सोमानी द्वारा बताया गया, राजस्थान पटवार संघ द्वारा अपनी समस्याओं और वर्ष 2021 में संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 2021 एवं 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार से समझौता हुआ। इन समझौतों की पालना के लिए समय समय पर श्रीमान जी से निवेदन किया गया, लेकिन फिर भी अभी तक अपेक्षित सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है और आए दिन अल्प वेतन भोगी कर्मियों पटवारियों के स्थानांतरण दूर दराज के जिलों में किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में संगठन द्वारा समय समय पर आपसे इस तरह के स्थानांतरण नहीं करने के संबंध में निवेदन किया जा चुका है। संगठन के पदाधिकारियों एवं पटवारियों के व्यवस्था से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से एवं संगठन को कमजोर करने की नियत से दूर दराज के जिलों में स्थानांतरण आए दिन 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नियमवालों ने 14 नवंबर 2022 को आमरण अनशन शुरू करे हैं। संपूर्ण राजस्थान के पटवारियों द्वारा काली मिट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा है और निर्णय के अनुसार आज से ही सरकारी सूचना प्राप्त हेतु बनाए गए समस्त सरकारी व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया ग्रुप लेफ्ट करते हुए समस्त ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। यदि 21 नवंबर 2022 तक हमारे समझौते की पालना नहीं होती है तो विरोध स्वरूप उपखंड के समस्त पटवारी दिनांक 22 नवंबर 2022 को उपखंड कार्यालय के सामने 24 घंटे का धरना एवं अनशन करेंगे। बूंदी पटवार संघ के उप शाखा अध्यक्ष रमेश सोमानी, उपाध्यक्ष आत्माराम, संयुक्त मंत्री किशन लाल सैनी, संगठन मंत्री राजेश मीणा, जिला उपाध्यक्ष सोरजीलाल मीणा, दया राम मेघवाल, पुरुषोत्तम हीरालाल, पूर्ण सिंह, नरेश चाहर, मनोज कुमार, महावीर जैन, धन्नालाल, महादेव मेघवाल, सृष्टि विजय, ममता शर्मा आदि पटवारी उपस्थित रहे। करो आज ये जो धरना दिया है आपने, किस मांग को लेकर धरना दे रहे हो? ये राज्य सरकार और पटवार संघ के बीच ही समझौता हुआ था, उस समझौते की पालना अभी तक नहीं हुई। तो उस समझौते की पालना करवाने के लिए पटवार संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर उप शाखा बूंदी और राजस्थान के संपूर्ण पटवारी दिनांक 22/11/22 को एक दिवसीय सामूहिक धरने पर बैठे हैं। अगर ये मांग नहीं मानते तो आगे की क्या? आगे प्रांतीय नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। अच्छा, आपका नाम? रमेश सोमाड़ी। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।